आप लोग। तो ये 12 पिलर अभी बचे हुए हैं बनने के लिए, क्योंकि जैसे ही ये गंगा कम हो जाती है वैसे इन पर दोबारा काम स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब चलते हैं, दिखाते हैं चल के आगे का आप सभी को। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब, आइयो आप अच्छे होंगे। मैं के पी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। आज मैं आप लोगों को पिंक लाइन कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिसिटी के खंभे भी लग गए हैं इस साइड में दोस्तों, थोनिया बिहार की साइड में इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लग जाने के बाद इन पर ओवर हेड इक्विपमेंट लगाए जाएंगे, उनके ऊपर ओवर हेड वायरिंग का भी काम किया जाना है। देख सकते हो काफ़ी तेज़ी के साथ में काम चल रहा है दोस्तों। और आगे सामने चमक रहा बहुत सिग्नेचर ब्रिज, इंडियन फ्लैग वाहिक का। ये यहाँ पर ये स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, जो कि ये पिंक लाइन के हैं। अब पिंक लाइन को देखो, ऊपर ही ऊपर पिलर के ऊपर ही ऊपर ये जॉइंट किया गया है दोस्तों। ये देखो आप लोग किस तरीके से ये पिंक लाइन को जॉइंट करने का काम चल रहा है, क्योंकि अभी गंगा जी बहुत तेज उफान पर थी ऊपर, तो इस वजह से यहाँ पर काम ये रोक दिया जा चुका है दोस्तों। लेकिन अब ये फिर से तैयार हो जाए। देखो वहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, देखो वो फ्लोर वर्क का काम चल रहा है, जो कि इस पर फ्लोर वर्क किया जा रहा है दोस्तों। ये जोड़ने का काम किया जा रहा है, देखो बीच बीच में देख सकते हैं ना, ये ऊपर वाले जो रखे हुए वो लॉन्चर ही हैं दोस्तों, वो लॉन्चर की मदद से ही इन्हें जोड़ा जाता है। देख सकते हो कि ये पिलर के ऊपर ही ऊपर बायोडक्ट को जोड़ने का काम किया जा रहा है। ये पिंक लाइन का जो काम है दोस्तों वो किया जा रहा है, देख सकते हो। क्यों, देखो वो पिलर बचा हुआ है अभी, उस पर मतलब की सेटिंग लगा कर थोड़ा सा चौड़ा भी कर दिया। अभी दो पिलर बचे हुए हैं बनने के लिए, एक तो वो बिल्कुल ही बनने के लिए ही है, और आगे चलेंगे उधर आप लोगों को दिखाएंगे चल के कि आगे के जो पिलर हैं वो तो बन के कम्प्लीट हो चुके हैं दोस्तों। पियर कैप का काम भी हो चुका है उन पर, और साइडों में अभी दो पिलर बचे हैं उन पर पियर कैप का काम किया जाना। तो देख सकते हो कि किस तरीके से इन्होंने ये पिंक लाइन का बायोडक्ट को किस तरीके से जोड़ा है, वो आप लोग तस्वीरें देख सकते हैं दोस्तों। तो यही वर्क है पिंक लाइन का दोस्तों जो किया जा रहा है, और पिंक लाइन का ही ये सारे स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं दोस्तों। देखो ये जो गटर लॉन्चिंग आई गटर हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं, ठीक है। ये है, और ये सामने है सिग्नेचर ब्रिज जिसके ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ दोस्तों, और यहीं से आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ इस मेन लाइन का काम, जो कि पिंक लाइन बनाई जा रही है दोस्तों। क्योंकि गंगा जी यहाँ बहुत ज़्यादा ऊपर आ गई थी, तो इस वजह से यहाँ पर सारा गड़बड़ हो चुका है, सारा काम चौपट हो गया। तो इसी वजह से कि रेनी सीजन है, रेनी सीजन की वजह से ही इसमें कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो पाता है दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो आप लोग। तो ये 12 पिलर अभी बचे हुए हैं बनने के लिए, क्योंकि जैसे ही ये गंगा कम हो जाती है वैसे इन पर दोबारा काम स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब चलते हैं, दिखाते हैं चल के आगे का आप सभी को। देखो दोस्तों यहाँ पर ये पिंक लाइन का काम देख सकते हो ये किया जा रहा है, क्योंकि ये पिंक लाइन का ही काम चल रहा है। और यहाँ पर ये, और देख सकते हैं एक पिलर से दूसरे पिलर को ये गाटर बनाया जा रहा है, और गाटर देखो ये ऊपर ऊपर ही ऊपर बनाया जा रहा है, देख सकते हो आप लोग। और ये यहाँ तक हो जाएगी राइट में, देखो अभी ये बीच में भी पिलर बनाए जाएंगे जो कि नहीं बने हैं। देखो यहाँ से ये क्लियर दिखाई देगा, देखो सारे में इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगा दिए हैं इन्होंने, और स्टेशन के ऊपर जो रूफटॉप का काम है वो किया जा रहा है बनाने का। ये स्ट्रक्चर को लगाया जा रहा है जो ऊपर का है रूफ टॉप का वो।
पिंक लाइन का काम भी देखो दोस्तों काफ़ी तेज़ी के साथ में हो रहा है। इस पर इलेक्ट्रिसिटी के खंभे भी लग गए हैं दोस्तों, और इस पर रूफटॉप का काम भी किया जा रहा है। देखो ये बुराड़ी का, ये पिंक लाइन का स्टेशन है, देख सकते हैं आप लोग। ये रूफटॉप का जो स्ट्रक्चर है दोस्तों वो खड़ा कर दिया, अब इस पर रूफटॉप लगाया जाना है। और आगे से ये अभी ये लेफ्ट हैंड पर आ जाएगी दोस्तों, इस NH को क्रॉस करेगी आगे चल के, तो देखने के लिए मिलेगा आप सभी को दोस्तों। अभी देखो ये वाला वायोडक्ट बचा हुआ है, पिंक लाइन इधर आ जाती है दोस्तों, देख सकते हैं ये पिंक लाइन अब ये लेफ्ट हैंड पर आ चुकी है। और आगे आप लोगों को देखने के लिए, देखो ये सारी जो लाइनें हैं ये मजलिस पार्क से होकर आ रही हैं दोस्तों। और अभी आप लोगों को आगे आगे जैसे आप लोगों को मैजेंडा लाइन भी देखने के लिए मिलेगा। और देखिए हमारे इंडिया का फ्लैग कैसे लहरा रहा है दोस्तों, यहाँ पर ये मजलिस पार्क से होकर आ रही हैं, और ये वाली मैजेंडा लाइन है ये राइट हैंड वाली दोस्तों, पिंक लाइन है, और ये मैजेंडा लाइन है। ये देखो ये मैजेंडा लाइन का काम जो आगे जा रहा है, वो सब कुछ आप सभी को आगे देखने के लिए मिलेगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना नीचे है रेड कलर का। देखो मैजेंडा लाइन का ये इलेक्ट्रिक सिटी के खंभे लगा दिए जा चुके हैं, और ट्रैक इस पर बिछाया जा रहा है अभी इस टाइम पर मैजेंडा लाइन पर दोस्तों। ये देख सकते हो जिधर आप देखोगे नज़र उठा को उधर ही आप सभी को जिसका काम नज़र आएगा दोस्तों, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रिक सिटी के खंभे लगाने के बाद में दोस्तों, अभी तो खंभे लगा दिए इन्होंने, अब इस पर ओवरहेड इक्विपमेंट लगाए जाएंगे। और ये दोस्तों आ चुका है मुकरवा चौक का मैजेंडा लाइन का स्टेशन दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें मैजेंडा लाइन का। ये देखो एक और स्टेशन है जिस पर अभी ये रूफ टॉप का काम भी चल रहा है स्ट्रक्चर को लगाने का, और इस पर देख सकते हो जो कॉन्क्रीट लेवल है उस पर भी काम किया जा रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो ये मैजेंडा लाइन का काम है दोस्तों, और हमारे देश का इंडियन फ्लैग देखो कैसा लहरा रहा है दोस्तों। तो उसके बाद में ये इलेक्ट्रिक सिटी के खंभे लगा दिए हैं, और आगे चलते हैं आगे देखते हैं चल के। ये देखो मैजेंडा लाइन जा रही है सीधी रोहिणी होते हुए, रोहिणी में जाकर निकलेगी पता नहीं कहाँ पर। और एक ये है डंपिंग यार्ड, तो वहां तक ही खंभे लगाए गए, इधर अभी कोई खंभे नहीं लगे हैं। ये काम किया जा रहा है मैजेंडा लाइन का, जो कि इस पर रेलिंग भी अभी नहीं लगी है, रेलिंग लगाई जानी है, उधर तो रेलिंग लग चुकी है दोस्तों।
ये देखो ये रेलिंग लगा दी इन्होंने। ये सीधी चली जाएगी आगे रोहिणी के लिए दोस्तों, जिसका आपको फिर कभी दिखाएंगे। अभी यहीं तक देख लो क्या का कुछ काम हो चुका है। देखो ये है दोस्तों मैजेंडा लाइन, सीधा सीधा सीधा। कैसा लगा वीडियो? आप सभी को लाइक शेयर कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।